नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार स्मार्ट मीटर ऐप फिर से हुआ कामकाजी। स्मार्ट मीटर ऐप की तकनीकी समस्याओं का हुआ हल। स्मार्ट मीटर ऐप से अब करवा सकते हैं रिचार्ज। राज्य के 81,000 स्कूलों की रैंकिंग प्रक्रिया से बेहतर स्कूलों को मिलेगा ए प्लस ग्रेड, 5 स्टार। निम्न प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को सुधार के मिलेंगे निर्देश। बिहार और यूपी लग्जरी बस सेवा गाजियाबाद तक। पटना, बक्सर, किशनगंज से गाजियाबाद के लिए 4-4 बसें। नई बस सेवा में केवल नवीनतम मॉडल की बसें होंगी उपलब्ध। पंकज त्रिपाठी ने शेयर की मसाला चाय रेसिपी। इम्यूनिटी बढ़ाएगा पंकज त्रिपाठी की चाय। जानिए कैसे बनाते हैं मसालेदार चाय। बिहार में सर्दी बढ़ी, पछुआ हवा का असर। 9 नवंबर से तापमान में गिरावट की संभावना। अगले 5 दिन मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने किया नियमों में बदलाव। LMV लाइसेंस धारक चला सकेंगे कमर्शियल वाहन। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अपडेट। पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। भारतीय टीम मुकाबले दुबई में खेल सकती है। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 खबरों की ओर विस्तार से। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड ए और बी ऑफिसर के 72 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 2 दिसंबर 2024। ग्रेड ए सहायक प्रबंधक पद के लिए उम्मीदवारों को वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, व्यवसाय प्रशासन आदि में स्नातक न्यूनतम 60% या MBA, CA, CS जैसी प्रोफेशनल योग्यताएं होनी चाहिए। वही ग्रेड बी प्रबंधक पद के लिए उम्मीदवार को किसी भी विषय में स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूनतम 55% की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेड ए ऑफिसर पद के लिए आयु 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही ग्रेड बी ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं आवेदन। सभी स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं के लिए राहत की खबर है। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप, जिसे 28 अक्टूबर से तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इससे पटना सहित राज्य भर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे ऐप के माध्यम से अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं और अपनी बिजली खपत का बैलेंस भी देख सकते हैं। दरअसल नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट मीटर ऐप में पिछले 10 दिनों से सर्वर संबंधी खामियां थी, जिससे उपभोक्ता ना तो रिचार्ज कर पा रहे थे और ना ही बैलेंस चेक कर पा रहे थे। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़, जहां स्थित है बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक धरोहर लौरिया स्तूप। ये स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और यहां पर उन्होंने एक विशाल स्तंभ की स्थापना की थी, जिस पर ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में अशोक के धम्म लेख उकेरे गए हैं। इन लेखों में सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के वर्णन है। इसकी लंबाई लगभग 15 मीटर है। यह स्तूप सम्राट अशोक द्वारा लाल ईंटों से बनवाया गया है। राज्य के 81,000 सरकारी स्कूलों की रैंकिंग प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, जो नवंबर और मार्च में हर साल आयोजित की जाएंगी। शिक्षा विभाग के अनुसार रैंकिंग में विद्यालयों को शिक्षण संसाधन उपयोग, स्वच्छता और शिकायत निवारण जैसे पहलुओं पर अंक दिए जाएंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को ए प्लस ग्रेड और 5 स्टार मिलेगा, जबकि निम्न प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। रैंकिंग में 85 से 100 अंक प्राप्त करने वाले स्कूलों को ए ग्रेड 5 स्टार और 0 से 24 अंक पाने वाले स्कूलों को डी ग्रेड 1 स्टार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ अब और भी सरल हो गया है। अब आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है, जिससे 0 से 2 साल तक की बेटियों के माता पिता घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। पहले जहां अभिभावकों को आंगनबाड़ी केंद्रों और विभागीय कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था, वही अब ये प्रक्रिया जो है ऑनलाइन की गई है। योजना के तहत बच्ची के जन्म के बाद उसके पोषण के लिए 2,000 रुपये तक की राशि और आधार पंजीकरण के बाद 1,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
आईसीडीएस डीपीओ सीमा देवी ने इस पहल की जानकारी दी है। छठ पूजा के बाद यात्रियों को सहूलियत देने के लिए भारतीय रेलवे ने दिल्ली और पटना के बीच चल रही वंदे भारत स्पेशल ट्रेन के शेड्यूल को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। पहले ये ट्रेन 20 नवंबर तक चलने वाली थी, अब ये ट्रेन 22, 24, 27 और 29 नवंबर को नई दिल्ली से रवाना होगी, जबकि पटना से वापसी 23, 25, 28 और 30 नवंबर को होगी। नई दिल्ली से ये ट्रेन सुबह 8:25 पर रवाना होकर दोपहर 12:30 पर पटना पहुंचती है। वहीं पटना से ये सुबह 7:30 चलकर शाम 7 नई दिल्ली पहुंचती है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बिहार को 242 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। इससे 2 लाख से अधिक रसोइयों को बकाया मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा, जो कि सितंबर और अक्टूबर के महीने का बकाया था। आपको बता दें कि ये भुगतान दिवाली और छठ के पर्वों के समय में भी नहीं हो सका था, लेकिन मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह रसोइयों को उनका बकाया मानदेय दे दिया जाएगा। हालांकि राशि अभी भी कम है, लेकिन केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब लाइट मोटर व्हीकल LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारक हल्के कमर्शियल वाहन भी चला सकते हैं। इससे पहले कमर्शियल वाहन चलाने के लिए अलग से कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि LMV लाइसेंस धारक जो है कार, छोटा हाथी और हल्के कमर्शियल वाहन चला सकेंगे। इससे पहले अगर LMV लाइसेंस धारक ड्राइवर एक्सीडेंट का शिकार होता था तो बीमा कंपनियां कानूनी पेचदगियों का हवाला देकर क्लेम से इनकार कर देती थी, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने मसाला चाय बनाने की एक खास रेसिपी साझा की है। उनके अनुसार इस चाय में उपयोग किए गए मसाले न केवल शरीर को गर्माहट देते हैं बल्कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। रेसिपी में शामिल है लौंग 2-3, इलायची 1, अदरक के 2-3 टुकड़े, तेजपत्ता 2-3, चाय पत्ती 1-2 चम्मच, पानी, दूध और चीनी। अब चलिए इसको बनाने की विधि बता देते हैं। सबसे पहले पानी को गर्म करिए और जितने मसाले हमने ऊपर बताए उन सभी को डालिए, उबालिए और उबाल आने के बाद 1-2 चम्मच चाय पत्ती और फिर दूध मिलाइए। अंत में चीनी डालकर चाय छान लीजिए। ध्यान रखिए चाय को ज़्यादा देर तक नहीं उबालना चाहिए, इससे स्वाद कम हो सकता है। तो पंकज त्रिपाठी की मसाला चाय का आनंद जरूर लीजिए। पूर्णिया में हवाई सेवा की शुरुआत जल्द ही हो सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है, जो कि आने वाले 30 से 40 वर्षों के यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें 5 एयरोब्रिज, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स और अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि निर्माण काम में प्रगति हो चुकी है और भूमि अधिग्रहण भी पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट के लिए 4 दीवारी का निर्माण जारी है और प्रशासनिक बाधाओं को जल्द हल किया जाएगा। आने वाले दिनों में पूर्णिया को एक आधुनिक हवाई अड्डा मिलने की संभावना है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। कुल 21 रिक्तियां हैं, जिनमें लेवल 2, 3, 4 और 5 के पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 11 नवंबर से 11 दिसंबर 2024 तक www.rrcnr.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेवल 4 और लेवल 5 के पदों के लिए ग्रेजुएशन की योग्यता, जबकि लेवल 2 और लेवल 3 के लिए 12वीं पास होना बेहद जरूरी है। अगर 1 से अधिक पदों के लिए आप योग्य हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया फरवरी 2025 में संभावित ट्रायल के रूप में की जाएगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली लग्जरी बस सेवा अब गाजियाबाद तक विस्तारित की जाएगी। बिहार पथ परिवहन निगम द्वारा शुरू की जा रही इस नई सेवा के तहत पटना, बक्सर, किशनगंज और नालंदा से गाजियाबाद के लिए रोजाना 4 बसों का परिचालन होगा। ये बसें केवल नवीनतम मॉडल की होंगी, जो अधिकतम 50,000 किलोमीटर तक चली होंगी। सेवा लोक निजी भागीदारी PPP के तहत संचालित होंगी और इसका पंजीकरण बिहार में किया जाएगा। ये सुविधा अगले कुछ महीने में शुरू हो सकती है।
बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सेंटअप परीक्षा की तारीखें जो है घोषित कर दी है। मैट्रिक सेंटअप परीक्षा 19 से 22 नवंबर तक होगी, जबकि इंटर सेंटअप परीक्षा 11 से 18 नवंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। दोनों ही परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 23 नवंबर को और इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 19 से 21 नवंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का परिणाम 2 दिसंबर मैट्रिक और 25 नवंबर इंटर तक जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना होगा। बोर्ड ने साफ किया है कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे और ऐसे विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षा में बैठने का अवसर भी नहीं मिलेगा। बिहारी बर्थडे में आज बात होगी तेजस्वी यादव की। आज 9 नवंबर को बिहार के प्रमुख नेता और पूर्व क्रिकेटर तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। गोपालगंज में 9 नवंबर 1989 में जन्मे तेजस्वी यादव ने राजनीति में अपनी अहम पहचान बनाई है। वे 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, लोक निर्माण और शहरी विकास का कार्यभार संभाला। वे न केवल बिहार के सबसे कम उम्र के उप मुख्यमंत्री रहे बल्कि भारत के सबसे युवा विपक्ष के नेता के तौर पर भी पहचाने गए। क्रिकेट में भी उनका योगदान रहा। वे दिल्ली डेयर डेविल्स और झारखंड क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया इंटरेक्टिव स्टिकर प्रमोट्स फीचर पेश किया है। इस नए फीचर से यूजर्स अब अपने स्टेटस पर इंटरेक्टिव पोल्स बना सकते हैं और अपनी ऑडियंस से सीधा राय ले सकते हैं। इस नए फीचर के तहत उपयोगकर्ता ऐड योर्स नामक एक स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से वे पोल्स बना सकते हैं। इनमें कई विकल्प हो सकते हैं या सिर्फ एक सवाल का उत्तर भी लिया जा सकता है। ये फीचर पहले इंस्टाग्राम पर था और अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है, जिससे यूजर्स अपनी स्टोरीज को और भी दिलचस्प बना सकते हैं। बिहार में पछुआ हवा के चलते सर्दी का असर तेजी से बढ़ने लगा है। इलाकों में धुंध भी छाने लगी है, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 9 नवंबर से तापमान में और गिरावट की संभावना है। हालांकि अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं जताई गई है। सुबह के समय धुंध का असर रहेगा और ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 15 नवंबर के बाद से बिहार में सर्दी का असर पूरी तरह से दिखने लगेगा। इस दौरान बिहार के कई जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पटना के बिहटा स्थित वायुसेना केंद्र में तेंदुआ घुसने की घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में तेंदुआ वायुसेना केंद्र की चारदीवारी के पास गाय के बछड़े को शिकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। घटना रात के अंधेरे में हुई, जब कार की रोशनी पड़ने पर तेंदुआ भागने लगा। स्थानीय लोगों के अनुसार बड़े बड़े पेड़ों का सहारा लेकर तेंदुआ वायुसेना केंद्र में पहुँच रहा है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक वे जाल में नहीं फंस सका। थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे ने कहा कि जल्द ही इसे पकड़ लिया जाएगा। इनकम टैक्स विभाग अब पैन कार्ड से जुड़े ट्रांजैक्शन का मिलान करने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करेगा, ताकि किराए की फर्जी रसीदों का पता चल सके। खासकर यदि किराया 1 लाख रुपए से अधिक हो तो मकान मालिक से पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। AI ये जांचेगा कि किराया और पैन कार्ड पर दर्ज ट्रांजैक्शन से मेल खाता है या नहीं खाता है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो विभाग तुरंत नोटिस भेजेगा। इस प्रक्रिया में फॉर्म 26A महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो आय और भुगतान की जानकारी ट्रैक करेगा। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 और 10 नवंबर को इन उपचुनाव में NDA के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं करेंगे। वे रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। इस दौरान जदयू की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। रामगढ़ विधानसभा में अजीत सिंह राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में है। वहीं NDA ने यहाँ से BJP के अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है और तरारी में भाकपा माले के गढ़ में NDA के विशाल प्रशांत उम्मीदवार हैं। 10 नवंबर को इमामगंज और बेलागंज में भी मुख्यमंत्री की सभाएं होंगी। नोटबंदी के 8 साल पूरा होने पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने नोटबंदी के फैसले को हादसा बताया, जिसमें कई लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था तो PM ने कहा था कि इससे काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ? काला धन कितना आया ये तो सब जानते हैं। हाँ, BJP ने जरूर हर जिले में अपना 5-स्टार ऑफिस बनवा लिया। बिहार में होने वाले 4 विधानसभा
सीटों पर उपचुनाव में राजद की जीत का भी तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया। राजद नेता और सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार यह धमकी उनके निजी सचिव मोहम्मद सदीक आलम को व्हाट्सएप के जरिए दी गई है। पप्पू यादव ने कहा कि धमकी में कहा गया है कि पप्पू यादव को मारने के लिए 6 लोगों को सुपारी दी गई है और चैट में तुर्की मेड पिस्टल की तस्वीरें भी भेजी गई है। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? आखिर वैसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है? इसकी जाँच जरूर होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीम इंडिया अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक बयान में सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। हालांकि बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि भारतीय टीम अपने मुकाबले दुबई में खेल सकती है। इस पर अब तक की किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस मामले पर हाल ही में बातचीत की थी और सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 1948 में जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ था। आज ही के दिन सन 2000 में उत्तराखंड का यूपी से अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था। आज ही के दिन सन 2008 में जम्मू कश्मीर अवामी लीग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। आज ही के दिन सन 1936 में सुदामा पांडे धूमिल का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। आज ही के दिन 1980 में पायल रोहतगी का जन्म हुआ था। ये फिल्म अभिनेत्री थी। और आज ही के दिन सन 2005 में K.R. नारायणन का निधन हुआ था। ये भारत के राष्ट्रपति थे। शुक्रवार को BSE सेंसेक्स 55.47 अंकों के गिरावट के साथ 79,486.32 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 भी 51.15 अंकों की गिरावट के साथ 24,148.20 अंकों पर बंद हुआ। BSE सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 16 कंपनियों के शेयर हरे निशान में बंद हुए, जबकि बाकी की 14 कंपनियां लाल निशान में रहीं। निफ्टी 50 में भी 30 कंपनियों के शेयर तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुए, लेकिन 27 कंपनियों के शेयर घाटे के साथ लाल निशान में रहे। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई, जो बाजार के बाकी रुझानों से थोड़ा अलग नजर आ रहा है। एक व्हाट्सएप मैसेज में ये दावा किया गया है कि भारत सरकार बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हर महीने बेरोजगार युवाओं को 6,000 का भत्ता दे रही है, लेकिन ये दावा पूरी तरह से झूठा है। सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस मैसेज को फर्जी करार दिया है। ऐसे फर्जी मैसेज को किसी भी स्थिति में आगे फॉरवर्ड नहीं करें। ये न केवल गलत जानकारी फैला रहे हैं, बल्कि इससे समाज में भ्रम और अफवाहें भी उत्पन्न हो सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राजधानी दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन डी है जयंत चौधरी। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रश्मि शुक्ला, ऑप्शन बी है संजय कुमार, ऑप्शन सी है राजीव कुमार, ऑप्शन डी है विनय झा। इसका सही उत्तर होगा संजय कुमार वर्मा। और विश्व यात्रा बाजार WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है दुबई, ऑप्शन डी है लंदन। इसका सही उत्तर होगा लंदन। बिहार के मुंगेर में किस नदी पर लंबे रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है घाघरा। इसका सही उत्तर होगा गंगा। PM नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल की चर्चा की थी। ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मधुबनी और ऑप्शन डी है सारण। इसका सही उत्तर होगा मधुबनी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नूनू गोलू कुमार, कुश कुमार यादव, नवल किशोर झा, रोशनी कुमारी, रोहित कुमार मंडल, राकेश मिश्रा, छोटू राजा, मुन्ना प्रसाद, अनवर करीम खान, नौसाद रजा, विनय कुमार, SK निराला, रोशन कुमार, विद्यासागर, खुशी शर्मा, कामेश्वर सिंह, सागर, मोतीलाल कुमार, संजय कुमार शर्मा, कृष्णा प्रसाद, विवेक मिश्रा, आलोक प्रियदर्शी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आप बिना अपने मोबाइल फ़ोन के रह सकते हैं?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।